जाएंगे और जिसके कारण विश्वास हो। और जैसे एक गोडाउन हमने यहाँ बनाया, वैसे वसई विरार से लेकर थाना तक और वेस्टर्न मुंबई तक कोरेगांव तक जो लोग मटेरियल ले आते हैं शिपिंग से, उसका गोडाउन हम वहीं बनाएंगे। वो मटेरियल वहाँ जाएगा, वो भी रोड की मूवमेंट खत्म हो जाएगी, तो जिससे मुंबई का पॉल्यूशन और ट्रैफिक जाम का प्रॉब्लम में काफ़ी सुविधा आएगी। मैं चाहता हूँ कि हम जल्दी जल्दी सी प्लेन कैटर और उसमें मुंबई के लोगों के भी सहयोग की जरूरत है और वो जो ग्रेट ट्रिब्यूनल वाले उनके भी सहयोग की जरूरत है। अभी मैंने सुना था कि आपने मलबा रेल पर फ्लोटिंग जेटी का हाईकोर्ट ने निर्णय किया, उसको स्टे किया, तो उसका कारण क्या? तो नेवी ने ऑब्जेक्शन लिया कि हमारी परमिशन है, मलबा रेल में नेवी है कहाँ? मलबा रेल के पूरे ट्रोक पर कहीं नेवी नहीं है, इनका कोई लेना देना नहीं। पर यह आदत पड़ी है कि कोई भी काम को रोक, आप मेरे पास आओ, आप सरकार, तो नेवी और डिफेंस मिनिस्टर सरकार नहीं है। राज मिनिस्टर ने मेरे अध्यक्षता में कमेटी अपॉइंट की है इंफ्रास्ट्रक्चर क्लियरेंस के लिए, केवल एजेंडा आता है तो भी क्लियरेंस के लिए। आप मेरे पास आपका विषय लाओ और ऐसे कामों की कोई जरूरत नहीं। एक्चुअली नेवी की जरूरत तो वहाँ बॉर्डर पर है जहाँ आतंकवादी आते थे, दक्षिण मुंबई में ही रहना क्यों चाहते? मेरे पास आए थे फ्लैट मांगने के लिए, जगह तो मतलब एक एक इंच जमीन नहीं देता, आयदा आयदा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि साउथ मुंबई की प्राइम लैंड पर सबको क्वार्टर्स और फ्लैट बन के यही रहना है, पूरे उनका आप सम्मान करते हैं, यहाँ क्यों रहना है? आप जाओ ना पाकिस्तान की सीमा के उधर, वहाँ जाकर आपको पेट्रोलिंग करना है। सर साउथ मुंबई में नेवी का डिफेंस का सर्विस आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर प्रमुख ऑफिसर्स रह सकते हैं। और इसलिए ये जो जगह है सी फ्रंट है, ये मुंबई